मैं हूं मुसाफिर पाकिस्तानी मुख्तार अहमद भाई जी, कैमरामैन अदील अहमद के साथ इस वक्त भुट्टो खानदान के क्लिफ्टन में मौजूद, रहायश गह 70 क्लिफ्टन के बाहर, जिसके दरवाजे आज भी सर शाहनवाज भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो, मीर मुर्तजा भुट्टो के नामों की तख्तियां नज़्ब हैं। इसके साथ ही एक और मर्द जिसे 71 क्लिफ्टन कहा जाता है भी मौजूद है, जो कि माजी से लेकर अब तक पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल होती रही, और इस दफ्तर में आज भी तमाम शोदा जमहूरियत की तस्वीर अवेजा है जिन्होंने जमहूरियत की राह में जानों के नजराने पेश किए। अब जहाँ तक 70 क्लिफ्टन की तारीख का ताल्लुक है, तो इस बारे में मुस्तनद तारीखी रवायत ये है कि इसे क़याम पाकिस्तान से कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के वालिद सर शाहनवाज भुट्टो ने तामीर करवाया था, और उन्होंने भी इस घर को सियासी मरकज के तौर पर इस्तेमाल किया। 1966 में उन्होंने अयूब खोड़ो के खिलाफ इसी घर से इलेक्शन में हिस्सा लिया। उनके बाद ये तारीख के मार्ग जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को मुंतकिल हुई और उन्होंने इसे सियासी मरकज के तौर पर इस्तेमाल किया, और उनके फांसी से कबल यहाँ उनकी अहली बेगम नुसरत भुट्टो साहबजादी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी नजरबंद रही, और उनकी फांसी के सजा के बाद दोनों माँ बेटियों ने यहाँ से सियासी जद्दोजहद की, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शादी भी इसी घर से हुई। इस तारीखी घर के हवाले से पीपल्स पार्टी के पुराने रहनुमा और साफियों का कहना ये कि इमारत हमेशा पीपल्स पार्टी की सियासत का कबलगाह रही है, जहाँ दुनिया भर के हुक्मरान आते रहे, और शहीद भुट्टो भी इसी घर में अपने बच्चों को तालीम और तरबियत देने के साथ साथ गरीब लोगों की खिदमत के जज्बे को उजागर करने के साथ साथ शहादत के जज्बे जगाते रहे, जिसके बाद दुनिया ने देखा कि इस तारीखी इमारत में परवरिश पाने वालों में से चार अहम रहनुमाओं ने जामे शहादत नोश किया। गो के अब ये तारीखी मर्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के पास है, जहां मीर मुर्तजा भुट्टो की अहलिया गनमा भुट्टो साहबजादी फातिमा भुट्टो और जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर रिहायश पजीर है। मगर अब उनके वतन में गैर मौजूदगी के सबब न सिर्फ इमारत बल्कि उसके बैरूनी हिस्से मुकम्मल तौर पर वीरानी का शिकार है, और अब सिर्फ 70 क्लिफ्टन पे लगी नामों की तख्ती से ही मालूम चलता है कि यहां कौन से अजीम लोग आबाद रहे, क्योंकि अब हुकूमत की तरफ से यहां ना तो कोई चौकीदार ही और ना ही कोई सिक्योरिटी का निजाम, जिसके तहत इसे खतरा भी लाहक है।